एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं पूजा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं न्यूट्रल आई मेकअप लुक। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक। आई होप कि आप सबको ये वाला मेकअप लुक पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना एक लाइक और शेयर कर देना सबके साथ, और कमेंट करना भी प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ उनका जो लिंक होगा वो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप सब चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ये एल्प्स फुटनेस का रोज टोनर। तो ये कुछ इस तरह का है। तो देन मैं अपने फेस को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी ये बायोटिक का बायो डैंडेला इनविजिबली एजलेस सीरम। तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये 40 ml का है, छोटा साइज है, तो इनका बड़ा साइज भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उन्हें ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसे अप्लाई करूंगी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसे मैं अपने हाथ पे लेके अपने फेस पे मैं अप्लाई करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये, और काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है फेस को, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो देन मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करूंगी, और उसके लिए मैं एनवाईबे का लिप बाम यूज कर रही हूँ, और इसका जो फ्लेवर है ये है बटर स्कॉच। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर देता है। तो देन मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। तो इसे भी मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये अच्छा मैट फिनिश देता है फेस को, और अच्छे से फेस को स्मूथ कर देता है, और जिससे कि जो फाउंडेशन होता है या फिर कंसीलर होता है वो अच्छे से स्टिक होता है, और अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो जाता है, और ये पोर्स को भी अच्छी तरह से फिल कर देता है। तो देन अपने फेस में या फिर मेरे जो आईज में जो डार्क सर्कल्स है उन्हें मैं हाइड करने के लिए अप्लाई करूंगी ये एनवाईबे का ऑरेंज करेक्टर। काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है इसे यूज करना। तो इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी, और इसे मैं फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगी, और इसे मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई पे भी मैं अप्लाई करूंगी। तो इसे मैं अच्छी तरह से मैं फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो देन मैं अपने फेस पे मतलब आईज पे मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और ये उनका लिक्विड कंसीलर है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने आईज को कंसील करने के लिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। कंसीलर को मैं सेट करने के लिए अप्लाई करूंगी ये एनवाईबे का कॉम्पैक्ट पाउडर, और मेरा जो शेड है ये है 02। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप। तो मैं अपने आउटर कॉर्नर की तरफ फर्स्ट काजल अप्लाई करूंगी और स्मोकीनेस के लिए, और मैं इसे आउटर कॉर्नर पे मैं अप्लाई करूंगी सिर्फ मेरे लैश लाइन के क्लोज। तो कुछ और मैं इसे स्मच कर दूंगी। देन मैं पिक करूंगी ये वाला शेड, और इससे मैं अप्लाई करूंगी काजल को मैंने जहां पर अप्लाई किया है उसके ऊपर, और इसे मैं अच्छी तरह से मैं स्मच करके मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। देन मैं अप्लाई करूंगी ये वाला शेड। तो ये कुछ इस तरह का एक शेड है, तो इसे मैं अप्लाई करूंगी इस वाले शेड के ऊपर ही, और इसे मैं थोड़ा सा स्मोक आउट करूंगी इसे। देन मैं इन दोनों शेड को मैं अप्लाई करूंगी ये जो दो मैट शेड्स हैं इन्हें, और इन्हें मैं अप्लाई करूंगी बाकी के क्रीज एरिया पे। तो इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके फर्स्ट मिक्स करूंगी, और उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूंगी बाकी की क्रीज एरिया पे, और मैं बहुत लाइट हैंड से मैं इसे अप्लाई करूंगी।
मैं अभी अप्लाई करूंगी शिमर शेड और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये वाला शेड, ये कुछ इस तरह का शेड है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी लाइनर और यहाँ पर मैं जेल आई लाइनर यूज कर रही हूँ और ये मेरा म्यूजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर है, काफी ज्यादा अच्छा है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने आईज पे लाइनर के लिए। तो अभी मैं अपने ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर लूंगी, उसके लिए मैं ये वाला शेड अपने अप्लाई करूंगी तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन, उसके लिए मैं स्टे कोट का फाउंडेशन यूज करूंगी और मेरा शेड है 08 तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। देन मैं यूज़ करूँगी सेम मेरे कंसीलर को अपने अंडर आइज और फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करूँगी। इसलिए मैं ब्लेंड कर दूँगी जल्दी। तो मैं अपने फेस को सेट कर दूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो मैं इसे अच्छी तरह से मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी और ये अच्छी तरह से मेरे फेस को सेट कर दिया है इसने। तो बाकी का मेकअप कंप्लीट करने से पहले मैं अपने फेस को जल्दी से सेट कर लूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है मेकअप तो इसे जल्दी से सेट करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल में यूज़ करूँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरा, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ताकि जो मेकअप है इस सेटिंग स्प्रे के साथ अच्छी तरह से ये लॉक हो जाए। तो अभी मैं कर लूंगी अपने फेस को कंट्रोल और उसके लिए मैं मेरा सिवाना कलर्स का जो ब्लश पैलेट है उसमें जो कंट्रोल शेड है इसे मैं यूज करूंगी, काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है और मेरे स्किन टोन के साथ ये वाला शेड काफी ज्यादा अच्छा जाता है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं अपने नोज को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूंगी तो सेम कंट्रोल पाउडर की हेल्प से। तो अभी मैं अप्लाई करूंगी ब्लश और ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी ये फेसेस कैनेडा का ब्लश और इसका जो शेड है इसका जो शेड है ये कोरल पिंक 01 तो इसे मैं अप्लाई करूंगी, काफी ज्यादा सुंदर शेड है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। तो एवरीडे के लिए ऐसा ब्लश काफी ज्यादा अच्छा होता है जो बहुत ज्यादा नेचुरल टिंट देता है और ये एक्चुअली कैमरे में बिल्कुल विजिबल नहीं है तो इसीलिए मैं एक और शेड में अप्लाई करूंगी और ये ऑर्बो का ब्लश पैलेट है तो इसमें से ये जो डार्क जो पिंक शेड है इसे मैं अप्लाई करूंगी और काफी ज्यादा पिगमेंटेड है तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने चीज पे। तो अभी मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा और ये है मेरा फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज मस्कारा तो इसे मैं अपने लैशेस पे मैं अब से अप्लाई करूंगी, काफी ज्यादा अच्छा है तो मुझे रिसेंटली इसे यूज करना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, पहले पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। क्या आप देख रहे हो जो आईलैश है मेरा वो कितना ज्यादा विजिबल हो गया है अभी तो काफी ज्यादा अच्छा लेंथ दिया है तो
काफी अच्छा लग रहा है। आयुष की मेरे पास फॉल्स लैशेज होता ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है इस वाले मेकअप के साथ, बट मेरे पास वो नहीं है। तो चलो बाकी का मेकअप भी कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करूंगी, उसके लिए फर्स्ट मैं अप्लाई करूंगी काजल, बहुत सारा नहीं, बहुत कम अमाउंट में मैं इसे अप्लाई करूंगी ताकि वो डार्कनेस आ जाए। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने आउटर कॉर्नर की तरफ लोअर लैश लाइन के, तो कुछ इस तरह से। और इसे मैं स्मच कर दूंगी जल्दी से। तो मैं सेम इस डार्क शेड को मैं फर्स्ट अप्लाई करूंगी, काफी ज्यादा अच्छा शेड है ये। तो इस वाले पैट में ही मेरे पास ऐसा कुछ शेड है, तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए। और इसे मैं काजल के साथ ही मैं इसे स्मच करूंगी। अभी अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, और उसके लिए मैं यूज़ करूंगी ये एले कलर का जो मेरे पास ब्लश एंड हाइलाइटर पहले थे उसे, उसमें से जो ये वाला शेड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेड है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा शीन देता है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो इसे अप्लाई करते हैं। अभी अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिपस्टिक में अप्लाई करूँगी, बट देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मेरे पास ऐसे आई मेकअप के लिए प्रॉपर लिपस्टिक मेरे पास नहीं है, तो मैं ट्राई कर लूँ कि दो या तीन लिपस्टिक को मैं मिक्स करके कुछ एक अच्छा सा लिप शेड में बना लूँ। तो मैं ये वाली लिपस्टिक में अप्लाई करूँगी फर्स्ट, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट एक लिपस्टिक है, ये है NYB का प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे, काफी ज्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करूंगी एक और लिपस्टिक, और ये भी NYB का लिप क्रेयॉन है, और इसका जो शेड है ये है 37। तो इसे मैं अप्लाई करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे एक और शेड चाहिए, क्योंकि ये और भी ज़्यादा मतलब न्यूट्रल कर दिया है लिपस्टिक को, तो मुझे थोड़ा सा डार्क एक कलर चाहिए। तो मैं इस लिपस्टिक को मैं अप्लाई करूँगी, ये भी NYB का है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है NYB की लिपस्टिक। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बस इसे पैट करूँगी। आई थिंक अभी जो लिपस्टिक कलर जो आया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है अभी, तो मुझे पसंद आ रहा है ये वाला कलर। और 3 लिपस्टिक को बैक टू बैक अप्लाई करने के बाद भी मेरे जो लिप्स है वो हैवी फील नहीं हो रहा है, और वो मतलब क्रीज भी नहीं कर रहा है लिपस्टिक। NYB की लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं बाकी का काम भी करके देती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। सो गाइज, आई होप कि मेरा ये वाला न्यूट्रल आई मेकअप लुक आप सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना शेयर, और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब बहुत अच्छा रहो।